अच्छे से गया हमें। क्या हुआ? ऐसा लगा किसी ने कान में फूंक मारी। अभी भाई अभी ऐसा लगा कोई पीछे से चल के गया। ओ भाई साहब, ओए क्या हुआ? ओए गुल्लू यार, और रहा यार खून आ गया इसके तो नाथ में। हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी लोग। तो आज ये वीडियो काफी ज्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफी लेट हो चुका हूँ मैं। बाकी बातें चलते चलते बताऊंगा। हाँ भाई, एक आईडी बंद करी, दूसरी बना दी। मैंने बनाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देख लियो, अगर तेरी निकली तो फिर तुम्हारे को पकड़ गए। अभी थोड़ी देर ड्राइवर को घुमा लेता हूँ फिर जाता हूँ। देखो ऊपर बंदर बैठा हुआ है। कर दिया था बंदर ने तेरे साथ? ईंट मारी थी बंदर ने, ईंट उठा के मार दी इसको। भाई साहब डूब के भर जा तू। डेविल को तो बांध दिया, अभी मैं भी चलता हूँ। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। पहले डेविल को नहलाया, उसके बाद उसको डॉक्टर के ले गया। पता नहीं उसे कान में क्या दिक्कत हो रखी है, खुजाता रहता सारी रात। भाई गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है और भी डेविल की ट्रेनिंग के मैंने सारे इक्विपमेंट्स मंगा लिए। अभी कुछ दिनों में उसकी खतरनाक वाली ट्रेनिंग स्टार्ट कराएंगे। भाई साहब एक्सीडेंट हो गया। अभी डेविल में 55 से भी ज्यादा वेट होने वाला। भाई थोड़ी दिनों में तो मेरे से भी ज्यादा वेट हो जाएगा। कमेंट करके बताना तुम में से किस किस से ज्यादा वेट हो गया डेविल का। हाँ गोरलू क्या हुआ? मेरी ना इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, फोन भी करके नहीं पूछा एक बार भी। क्यों, क्या हुई? अरे पूछा तो था, तूने मना तो कर दिया था कि वीडियो में नहीं आऊंगी, तबीयत खराब हो रखी है। हुई नहीं क्या अभी तक? ठीक है। नहीं, तीन चार दिन से इतनी तबीयत खराब थी मेरी। परसों ही गए थे मंदिर में तो उन्होंने पंडित ने डरा दिया मम्मी को, बोलते थे इसको मंदिर मंदिर ले जाओ, बालाजी वगैरह इसमें तो कुछ हो रही है। मैंने कुछ हो रही है मतलब तेरी मम्मी के सामने ही बता दिया उसने सारा। गुस्सा गया, रोए जा रही है। अभी कहाँ है तू? अभी मार्केट में आया हूँ। चल मार रहा हूँ। अभी बीच में गोलू की कॉल आ गई थी और भाई लास्ट वीडियो में भी वही इसलिए नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रखी थी। मेरे को तो लगा कि ऐसे ही वायरल वगैरह चल रहा है इसलिए खराब हो रखी होगी। भाई पर पंडित ने जो जो चीजें बोली ना सुन के तो आंटी इतना गुस्सा हो गया। भाई मेरे को भी ये चीज समझ में आई कि बेसमेंट की वजह से ही हो रहा होगा। जो बाबा जी ने सोल्यूशन बताया था ना विवेक के लिए, तो वही वो चीज सारी चीज गोलू के साथ भी करनी पड़ेगी, तभी इस चीज का जाके सोल्यूशन निकलेगा। तो अभी फ्लैट साइड जा रहे सीधा। भाई गोलू को भी बिठा लिया था। ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है क्या? तबीयत मेरे को पता ही नहीं चल रहा यार। सारी सारा तो मीठा मीठा खा लिया मैंने घर का। मेरी मम्मी रोए जा रही है, मेरे को वो लॉकेट चाहिए। मैं लॉकेट लेने आई हूँ। लॉकेट क्या? लॉकेट गुम हो गया यार। वो लॉकेट पता नहीं कहाँ गिर गया यार। ये चीज संभालने की होती है, तुमने संभाले क्यों नहीं रख रखा? उसके पास भी तो सिक्का, वो खो देगा, उसके पास फिर दिक्कत होने लग जाएगी। हाँ तो अभी वो लॉकेट दिला दिया। एक बार फ्लैट साइड चलते हैं, विवेक और उनको ही बुला रखा मैंने, तो उस चीज का सोल्यूशन पता कर लिया। अभी एक बार फ्लैट साइड चलते हैं, वो आ रखी है विवेक और मम्मी खड़ी है मेरी। कोई नहीं है, काम करे, फोन कर दे आंटी को और आंटी चली जाएगी। सो गाइस फ्लैट साइड तो आ चुके हैं। यार इसका सोल्यूशन भी तो करना है ना। क्या सोल्यूशन? मेरे पास लॉकेट भी नहीं है मेरा। ये भी आ गए विवेक और चले भाई फिर जाना। और क्या भाई, पूछताछ लिया सारी चीजें, थोड़ी तैयारी से चलते हैं, ऊपर बैठ के बात कर लेते हैं। चलो गाइस अभी ऊपर आ चुके हैं और भैया से पंडित जी ने बताया था वैसे ही नीचे जाके सारी चीज करनी पड़ेगी। मैं बस लॉकेट लेने आई थी। इसका लॉकेट भी खो गया वो वाला जो दिया। मेरी मम्मी खड़ी है मौसी के पास, जाना है मेरे को। कंप्लीट कर लेते, कनेक्ट करके पूछे तो सही की क्या दिक्कत है क्या नहीं है। चलना तो पड़ेगा एक बार। अभी जो सोल्यूशन उन्होंने बताया अगर उससे अगर ठीक हो गया तो हमें इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। सोल्यूशन नहीं निकला कुछ और दिक्कत होगी फिर। अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर एट दी एंड भी जाना तो फिर वही है, मतलब बालाजी तो फिर जाना ही है। वो सिक्का है मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होगी मेरे को। जो उन्होंने माला दी थी ना वो फिर गोलू को दे देंगे। सिक्का तो अपने पास रख लियो। गाइस अभी निकल रहे हैं और करते हैं वीजा बोर्ड भी ले चलते हैं। वीजा बोर्ड से करेंगे? वीजा बोर्ड से तो कनेक्ट करना भाई। अभी बेसमेंट में आ चुके हैं और भाई सारी प्रिकॉशंस वगैरह ले रखी है। और ले गोलू ये माला तू रख ले, सिक्का है ना तेरे पास, चेक कर ले एक बार। अभी करे फिर स्टार्ट तू भी कर, क्यों लास्ट टाइम तूने ऐड का किया था? अगर हमारे 500 के अलावा यहाँ पे कोई और प्रेजेंट है तो जवाब दो। भाई साहब यार आज भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर हमारे 500 के अलावा यहाँ पे कोई और प्रेजेंट है तो प्लीज जवाब दो यार। अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार। भाई कहीं वो दिक्कत हो रही हो इनके लॉकेट वगैरह की वजह से वो चीज कनेक्ट नहीं कर पा रही हो। वो निकाल देगा अभी। मैं नहीं निकालूंगी। निकाल दे यार। क्या वो सिक्का तो क्या? सिक्का निकाल और तू ये माला निकाल। गोलू
यहाँ पे रख दो, निकाल के रख दो वहां पे रख दो। करें अब स्टार्ट। अगर हमारे 500 के अलावा यहाँ पे कोई और प्रेजेंट है तो जवाब दो। अरे यार अभी भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार। क्या हुआ? ऐसा लगा किसी ने कान में फूंक मारी। अभी ये भाई अभी ऐसा लगा कोई पीछे से चल के गया यार, लेंस में देख यार किसी की प्रेजेंस फील। यार कोई रिस्पॉन्स तो करे, एक और बार ट्राई करते। चलो अगर हमारे 500 के अलावा यहाँ पे कोई प्रेजेंट है तो जवाब दो। यार अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई चक्कर काट रहा है। अरे यार वो भाई साहब यार कोई कनेक्ट हो गया भाई। खुद यार ओ भाई भाई ये बार लेंस में देख ले यार, तू लेंस में देख ले कोई आसपास दिख रहा है यार। फील हो ऐसा फील हो रहा है कोई हमारे आगे पीछे घूम रहा है यार, किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। चेक करो इसमें यार, एक बार लेंस में देख भाई। मैं कर ले यार, यार ये हाथ में तो टाओ यार कर ले। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार। ओ भाई साहब ओए क्या हुआ? ओ तेरी लड़की दिखी है तेरे को, जो लड़की हुई थी सेम बिल्कुल यार यहाँ पे दिखी आज भाई साहब। ये दोनों क्यों लूटे? ओए ओए इसको तो वेट कर लिया भाई यार। जो वो जो प्रेजेंस हो रही थी इस चीज की थी यार, इसके अंदर आ गई भाई। गुल्लू ओए ओ भाई ओए यार इसमें भी क्या हो गया भाई साहब? गोलू लग गए यार, और यार खून आ गया इसके तो नाक में। अरे यार माला पहना यार, इसको दिक्कत होगी ज्यादा। माला पहना जल्दी बोलो, सीधी बैठ सीधी बैठ, थोड़ा और दूंगा जल्दी दूंगा जल्दी। नाक में सिर्फ घुमाने लगे यार इसके तो। गोलू गोलू माला पहनाने के बाद शांत होगी। इसके हाथ में जल्दी सिक्का। ओ भाई साहब सिक्का रख इसके हाथ में भी। बैठ 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 ठीक है अब यार, सिक्का दे इसको विवेक। अरे तो पकड़ ही नहीं रहा भाई, रख दे हाथ में रख दे इसके। यार सिक्का दे, यार सिक्का देने के बाद भी यार ये तो ओए गोलू सीधी हो सीधी हो सीधी हो। ओए नाक में खून आ रहे इसके, या पानी की बोतल वोटल दे। मोमबत्ती जला यार सारी मोमबत्ती। सुन हाथ वात में तो नहीं लगी तेरे? देना माची देना यार, सारी मोमबत्ती बुझा दी इसने हाथों से यार। ये कैसे सुन बैठा हुआ है? ये बोल ही नहीं रहा। गोलू के साथ भी ये दिक्कत होगी यार, इसका गंगा जल वगैरह मारा इसके नाक में से खून आने लग गया यार। ये लड़के की बॉडी कमजोर होती है ना इस वजह से भाई, इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट आया इसकी बॉडी पे यार। इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा यार। यार सिक्का भी का इसको सारी चीज दे रखी है फिर भी ये माला पहना के देखते हैं। भाई इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा यार, इसका सोल्यूशन यहीं से निकल गया। चल पूछते हैं इसे, इसका भी हाथ रखवा भाई। यहाँ पे जो भी कुछ स्पिरिट हमसे कनेक्ट हुई है यार, क्या पूछ यार कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या चाहती है ये? आइए वाली चीज पूछ। यहाँ पे जो भी स्पिरिट हमसे कनेक्ट हुई है क्या चाहती है वो हमसे? भाई साहब
तरीके से ठीक हो जा रहा था, अब क्या हो गया इसके? यार ना गंगा जल का किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा इसको। क्या कह रहा है? आग, आग, आग मुक्ति। यार कहना क्या चाह रहा है ये? हमारे समझ नहीं आ रहा। ओइजा बोर्ड से ट्राई करे। अस्थि? क्या बोला? अस्थि, अस्थि, पर सब यार अस्थि 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 मतलब वो मतलब हड्डी वगैरह बची होती है वो बोल रहा है क्या? पता नहीं। तो मरने के बाद होती है। जला दो। अस्थि ये तो नहीं कह रहा इसकी अस्थि जला दो। यार मिलेगी कहाँ पे भाई? कैसे मिलेगी? मुक्ति है। अस्थि जला दो। अस्थियां कहाँ यार, कैसे पता करेंगे? गाइस दोबारे से दिक्कत स्टार्ट होगी और भाई किसी भी चीज़ का पता नहीं चला। यार हमारे बस की नहीं है ये चीज़, यार हमसे नहीं सॉल्व होगी भाई ये चीज़। ये चीज़ तो भाई कोई अच्छा तांत्रिक बुलाना पड़ेगा। यार इसकी हालत देखिए क्या होगी। यार इसको बाला जी ले चलते हैं। अरे कोई पर सिक्का देख रखा इसके हाथ में नहीं है। वही इसके हाथों खाली है, इधर उधर देखियो भाई। इसको थोड़ा सा गंगा जल और पिला भाई, इसकी हालत देखियो यार क्या होगी। यार अब इससे ज्यादा तो उस पंडित ने कुछ भी नहीं बताया था। तीन ही चीज थी हमारे पास, सिक्का, माला और गंगा जल। यार तीनों चीज कर दी। ओए ठीक है अब तू भाई एक काम कर, यहाँ से समेटो, निकलो यहाँ से। यार इसकी हालत क्या होगी और रखो इसे सारी चीज़ें। विवेक 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 वहाँ से तो आ चुकी है और भाई हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि जो पंडित जी ने बताया वो सारी चीज़ें हम फॉलो करके हम उस चीज़ को खुद ही संभाल लेंगे, पर भाई ये सारी चीज़ इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होगी भाई कुछ भी चीज़ नहीं संभाल पाए। नेक्स्ट टाइम से भाई जो भी चीज़ करेंगे ना, या तो कोई तांत्रिक वगैरह होगा या तो फिर सीधे चलेंगे बालाजी वगैरह। और जब वो जब तुम ये चीज़ जब तुम बोल रहे कि वो इस तरफ कुछ मैं देखूँ वो करूँ, उसके बाद एकदम से यूं लगा कि कोई मेरे साथ आकर के बैठा और एकदम से अंदर की तरफ आ गया। इसकी आंखें देखिए भाई राइट वाली इतनी ज्यादा लाल हो रखी है ये वाली। तो जो चीज हम ओइजा बोर्ड में पूछ रहे थे ना उस चीज का तू रिप्लाई कर रहा था। मैं रिप्लाई कर रहा था, तू रिप्लाई कर रहा था उस चीज का। क्या बोल रहे कि क्या चाहिए, क्या चाहते हो उस चीज का पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मुक्ति और बस ये समझ में आई, मुक्ति और अस्थि, इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया। पता नहीं तेरे हाथ में सिक्का पता नहीं कहाँ गिरा दिया तूने आसपास। पंडित जी ने बोला था कि तीन चीज बचा सकती है तुम्हें, सिक्का, माला और गंगा जल। तीनों चीज ट्राई करने के बाद सब कुछ ठीक हुआ। सिक्का और माला से तो तेरे पे कोई असर नहीं हो रहा था। बोलू का शरीर उस चीज को सहन ही नहीं कर पाए, उसके नाक से खून आने लग गए थे। हाँ एक साथ हो गया था, उसके आते उसके नाक में से खून आने लग गए भाई साहब। उसमें ज्यादा दे और भाई मैंने इसका टाइम पीरियड भी सुना, एक ने कमेंट कर रखा था कि दो तीन महीने से ज्यादा हो जाएगा ना तो बॉडी पे बहुत ज्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलना फिर ये बताओ भाई, भाई अभी तो नहीं है। और भाई गोलू तो उस रूम में जाके रो रही है, उसको तो जैसे ही बता रहे हैं ना कुछ भी वही उल्टा हमें सुनाने पे लग जा रही है। अब यही कर सकते हैं, जैसे अंकल आएंगे ना एक दो दिन कितना टाइम लगेगा हमने, दो तीन दिन ना उनके आते ही, जब तक ऐसा कर लेंगे कोई तांत्रिक मिलेगा तो उससे सोल्व करा लेंगे वरना फिर बालाजी चलेंगे, ये ठीक रहेगा ना। यार तांत्रिक किसके ऊपर विश्वास करे तो भाई, इस चीज का दो ही सोल्यूशन निकालेंगे, या तो फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो तांत्रिक को साथ ही लेके चलेंगे या फिर एक दो दिन बाद बालाजी जाएंगे। ऊपर से भाई वो लोग भी और ज्यादा बुरा हाल होगा, पहले तो उसकी तबीयत खराब थी, ये चीज होने के बाद और भी ज्यादा खराब होगी।